प्रोफेसर नेवान एंड आई एम फिजिक्स टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी आज अपन है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में अपन स्टडी करेंगे, जो अपना ये नेक्स्ट चैप्टर था, टॉपिक था। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की अगर अपन बात करें तो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी टू बॉडीज है उनको चार्ज करने का एक तो तरीका ये है कि आप ना दो बॉडीज लो और उनको आपस में रब। ये हमारे पास एक नेक्स्ट मेथड है कि विदाउट रबिंग हाउ कैन वी चार्ज ए बॉडी, यानी बिना रब किए अपन किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में अपना जो मेन काम है वो है विदाउट रबिंग। अब विदाउट रबिंग का इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी कोई टू बॉडी है उनको आपस में कॉन्टेक्ट में तो लाना नहीं, बिना रब किए बिना रगड़े अपने को क्या करना है दोनों बॉडीज को या एक बॉडी को चार्ज करना है। तो सबसे पहले तो समझ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। मान लो आपके पास इस तरीके से कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का नाम रखा हमने ए, और ये कंडक्टर जो है वो कोई भी मान लो आयरन वगैरह किसी भी एक्स वाई जेड से बना हुआ है। ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के पास बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स है ना इसे फ्री रहते हैं जो रेंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर। अब इस बॉडी के पास ये जो कंडक्टर है हमारे पास और इस कंडक्टर के पास अपन कोई दूसरी चार्ज्ड बॉडी ले जाते हैं, जैसे मान लो ये कोई दूसरी चार्ज्ड बॉडी ले, और कंसिडर करो कि ये जो चार्ज बॉडी है ना ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसको इसके पास मिला है। अब ये प्लस है और यहाँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यानी यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज है ना ये यहाँ के तो नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर खींचेगा। बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आए और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्शन स्टार्ट करती है, यानी इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं कि यार हम तो जाएंगे किसके पास, पी के पास जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इकट्ठे होंगे, इस तरीके से, यानी ये वाली सरफेस क्या होगी, एक तरीके से नेगेटिव चार्ज होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज है ना वो उछल के हवा के थ्रू तो इस पर आ नहीं सकता, तो इतना ज्यादा भी कोई इनके बीच में पोटेंशियल नहीं है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हवा के थ्रू तो इसमें आ नहीं सकते। ये इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्ज से मिलना चाहते हैं, प्लस भी चाहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आप मेरे पास आ जाओ, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि हम पॉजिटिव चार्ज के पास चले जाए, लेकिन बीच में यहाँ गैप है, हमने ना देखो यहाँ पर टच नहीं किया, केवल थोड़ा सा पास में रखा है इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे ताक में रहेंगे कि हम जैसे मौका मिले हम है ना कूद कूद के कहाँ चले जाए, पॉजिटिव चार्ज के पास। अच्छा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ इकट्ठे हो गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ इकट्ठे हो गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। अब ये जो पॉजिटिव यानी ये वाला हिस्सा तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये वाला हिस्सा हो गया नेगेटिव चार्ज। बिना टच किए बिना रब किए हमने क्या किया, एक कंडक्टर का एक हिस्सा नेगेटिव बना दिया और दूसरा हिस्सा क्या बना दिया, पॉजिटिव। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। बस यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब यही होता है, इंडक्शन का मतलब होता है कि बिना कोई डायरेक्ट मेथड के दूर से ही कुछ कर देना, दूर से ही जादू कर देना देखते ही, मतलब उसे बोलते हैं इंडक्शन। जैसे कई बार होता है ना कि आप किसी को देखते हो देखते आप चेंज हो जाते हो, अगले ने कुछ किए ही नहीं, अगले ने कुछ कहा ही नहीं, बस उसको देख देख के आप में भी बदलाव आने शुरू हो गए, यानी वहां पे इंडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, इंडक्शन। तो वही इंडक्शन है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लेना है आपको, कंडक्टर। कंडक्टर के अलावा अगर आपने मान लो इंसुलेटर रखा होता है, तो इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कुछ आएंगे क्या, कुछ नहीं आएगा। तो इंसुलेटर में इस तरह की कोई भी फिनोमेना आपने को देखने को नहीं मिलेगी, केवल कंडक्टर से ही आपको नंबर देना।
है तभी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है ना वो आपको देखने को मिलेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ना, अच्छा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया था, पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव लिया होता तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता और यहाँ क्या आता, नेगेटिव, क्योंकि फिर नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता, रिपेल करता, तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जरूरी नहीं कि आप हमेशा पॉजिटिव चार्ज रोड नेगेटिव ले सकते, डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली लेना चाहते हैं। चलो अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के एप्लीकेशन कि मतलब कैसे अपन है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का यूज करके और कोई भी टू और वन स्पेयर को या फिर कोई भी कंडक्टर को अपन चार्ज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना चार्जिंग ऑफ टू कंडक्टिंग स्पेयर्स बाय इंडक्शन। चार्जिंग ऑफ टू स्पेयर्स, टू कंडक्टिंग स्पेयर्स बाय इंडक्शन, यानी इंडक्शन से अपन है ना टू स्पेयर है उनको क्या करना है, चार्ज करना है। तो इसके लिए अपन एक काम करेंगे, सबसे पहले एक स्पेयर लेंगे, मान लो ये स्पेयर ए और ये जो स्पेयर है बी, और इस स्पेयर को एक इंसुलेटिंग स्टैंड, ये दोनों स्टैंड कैसे स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब जमीन से कनेक्ट वगैरह टच वगैरह कुछ नहीं है, इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड पर इनको टू स्पेयर, ये दोनों स्पेयर कंडक्टिंग स्पेयर कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, सेम कंडक्टर है। और ये अभी इस पर ना ए पे कोई चार्ज है ना ही बी पे कोई चार्ज है। अब अपने एक काम करेंगे कि इन दोनों स्पेयर को ना टच करके रखेंगे एकदम कॉन्टेक्ट में ना, वो इस तरीके से एक स्पेयर ए दूसरा स्पेयर यहाँ ले लेंगे और दोनों स्पेयर को एकदम कॉन्टेक्ट में ले आए और यहाँ लेके आएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव जो आपको सूटेबल लगे एक चार्ज रोड लेके आएंगे। जैसे इंडक्शन में हुआ था, ये भी कंडक्टर है ये भी कंडक्टर है, तो यहाँ से ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे और किसके पास जाना चाहेंगे, पॉजिटिव के पास, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, लव होता है, प्यार मोहब्बत होती है, ये हमेशा ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी इनके पास भागे भागे जाएंगे, तो यहाँ पे ना नेगेटिव चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, पीछे यहाँ पे कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव। अब आप सोच रहे होंगे सर काम खत्म हो गया, स्पेयर ए के ऊपर नेगेटिव आ गया बी पे पॉजिटिव आ गया, दोनों स्पेयर चार्ज हो गए, अभी हमारा काम खत्म नहीं होगा। जैसे आप इस रोड है ना, ये जो प्लस ये जो पॉजिटिव चार्ज रोड, इस रोड को जैसे आप यहाँ से हटाओगे तो हटाते ही क्या होगा, ये नेगेटिव वापस कहाँ से ले जाएंगे, पॉजिटिव वापस। तो इसको बिना हटे, यानी कि ये जो नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज रोड है ना, इसको आपको यहीं रखना है, इसको हटाना नहीं है, और इन दोनों स्पेयर है ना, अब इन दोनों को बोल दो भाई साहब अब आपका काम खत्म हो गया, आप अब अलग अलग रहो, काफी देर तक साथ में रहेंगे, तो इनको है ना अपन है ना इसको पास में रखते हुए इन दोनों स्पेयर को अलग अलग करते हैं। इन दोनों को अलग अलग कर दिया और यहाँ पे हमने क्या अलग कर दिया, वो रोड यहाँ पे पास में ही, यहाँ कौन सा चार्ज है नेगेटिव और यहाँ कौन सा है पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव रोड जो है ना ये वाली, इस रोड को अगर अपन हटा देते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से अब कांटेक्ट में है नहीं, तो यहाँ इसके पास वापस जा नहीं सकता, ये इस ए पर रह जाएगा नेगेटिव चार्ज और बी पर क्या रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कुछ इस तरीके का सीन बन जाएगा। जैसे मान लो कुछ इस तरीके का सीन बनेगा, ये ए हो गया ये बी हो गया, ये स्टैंड पर रखे हुए, इस पूरे पर ना एक तरीके से नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इस पर पूरे पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ध्यान रखना कंडक्टर और इंसुलेटर में ही तो एक डिफरेंस और है,
ये है कि कंडक्टर को अगर अपन कोई चार्ज देते हैं ना, जैसे पॉजिटिव दे दो चाहे नेगेटिव दे दो, कंडक्टर पर क्या होता है कि चार्ज है ना वो पूरी सरफेस पे फैल जाता है। जैसे ऐसे कोई कंडक्टर है, जैसे मान लो ये है कंडक्टर, ये मान लो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो जैसे अपन इसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज यहाँ रुका हुआ नहीं रहेगा, वो पूरा इस पूरी बॉडी के सरफेस पे फैल जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास चार्ज लाने ले जाने के लिए इसके पास साधन है। लेकिन अगर कोई प्लास्टिक वगैरह हो, लकड़ी वगैरह हो, इंसुलेटर हो, तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं। जैसे मान लो ये कोई इंसुलेटर है और इसको अगर आप ना चार्ज दोगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिया ना, तो वो इसी कोने पे पड़ा रहेगा, यानी ये चार्ज जो है ना ये आगे की ओर फैलेगा नहीं, वो यहीं रह जाएगा। तो ये मतलब इंसुलेटर के साथ होता है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के ही पूरी बॉडी पर चार्ज क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो ये तो बात हुई चार्जिंग ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर, यानी यहाँ हमारे पास कम से कम कितने कंडक्टर होने चाहिए थे, टू कंडक्टर होने चाहिए थे। टू कंडक्टर होंगे तभी ये मतलब पॉसिबल होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम किसी एक सिंगल कंडक्टर को लें और उस सिंगल कंडक्टर को क्या हम इंडक्शन की हेल्प से चार्ज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? देखो चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर बाय इंडक्शन, यानी हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर से अपन स्फीयर को अपने इंडक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो इसके लिए आपको ना एक टॉपिक हो रहा है इसके अंदर, वो है अर्थिंग। वो अर्थिंग जो टॉपिक है ना वो भी आपको मैं समझाऊंगा। अर्थिंग का मतलब सिंपली वही है कि किसी को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना। देखो मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, अभी ये कंडक्टर है और इस पर कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। इसके पास में अपन कोई चार्जिंग चार्ज कोई रोड लेके आते हैं और ये रोड मान लो पॉजिटिव है। एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नेगेटिव होगी तो उल्टा काम होगा। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लेके, पॉजिटिव चार्ज लोड लेके आए, तो इस साइड में कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस साइड में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब अलग अगर अपन इस रोड को यहाँ से हटाते हैं तो ये नेगेटिव वापस किस में चला जाएगा, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव वापस कैंसिल कर देंगे और नेट चार्ज वापस क्या हो जाएगा, जीरो। तो अपन क्या करेंगे, इस स्फीयर के दो टुकड़े तो करने नहीं है कि अपन है ना सर अब इसके अंदर दो टुकड़े कर दो, दो पार्ट कर दो, एक नेगेटिव रह जाएगा दूसरा पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव रह जाएगा, तो ये तो अपने करना नहीं। इसका दूसरा तरीका ये है कि अपन इस पूरे स्फीयर को अर्थिंग कर देंगे। अर्थ का मतलब है कि यहाँ से एक वायर लो, इस वायर को यहाँ टच करो और टच करके ऐसे ग्राउंड में लगा दो, अर्थ में जमीन में लगा दो। ये जो सिंबल है ना वो अर्थिंग का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, अर्थिंग, यानी अर्थ में लगा दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब आपको ये यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि हमारी जो अर्थ है ना वो खुद एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, बिग कंडक्टर है। अर्थ इज ए बिग कंडक्टर, बहुत सारे इसके पास है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है अर्थ के पास, इसलिए नेट जो पोटेंशियल है ना अर्थ का वो कितना होता है, जीरो होता है। क्योंकि तो अर्थ है कंडक्टर जरूर है, लेकिन जितने इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है ना उतना ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसका नेट पोटेंशियल कितना मानते हैं अपन, अर्थ का जीरो मानते हैं। अब अर्थ से कनेक्ट करने से क्या होता है, तो हुआ ये कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अर्थ के पास, यहाँ से जैसे हमने इसको कनेक्ट किया अर्थ के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर चलना शुरू कर देंगे इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज।
तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिल जाएगा, और मिलने के बाद में प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज ये कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ना किसने पकड़ रखा है, इस रोड ने पकड़ रखा है। तो यानी कि यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज आए ऊपर की ओर। अच्छा एक बात और बताओ, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन चलते हैं उसके उल्टी डायरेक्शन में क्या होती है, करंट होती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल मोमेंट्री करंट फ्लो होती है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे तो करंट है ना वो इधर जाएगा, मोमेंट्री करंट बोलते हैं इसको। ये बहुत ही स्मॉल करंट है ना वो फ्लो होती है। यहां से नेगेटिव आके इस प्लस के साथ मिलना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिले और मिलके एक दूसरे के अंदर खो गए, खत्म हो गए ना, तो पॉजिटिव रहा वरना ये इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ये लोग ये चले गए। अब आप मुझे बताओ कि ये यहाँ से चला गया और अब इस अर्थिंग को भी हटा दो यहाँ से। अब यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा चार्ज बचा ए के पास, तो ए के पास बचा केवल नेगेटिव चार्ज। ए के पास क्या बचा, नेगेटिव। अब इस रोड को भी यहाँ से हटा दो, जैसे इस रोड को यहाँ से हटाया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और वो एक नेगेटिव चार्ज है ना पूरे स्फेयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस तरीके से अपन इसको चार्ज कर सकते हैं। अच्छा दूसरा, व्हाट विल हैपन इफ वी ब्रिंग ए नेगेटिव चार्ज रोड, यानी कि अगर अपन है ना नेगेटिव चार्ज रोड लेके आते हैं इसको तो क्या होता है, तो वो भी देख लेंगे। तो कंसीडर अगेन दिस इज ए स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, इंसुलेटिंग स्टैंड। नाउ दिस टाइम वी आर हैविंग नेगेटिव चार्ज रोड, नेगेटिव चार्ज रोड। अब नेगेटिव चार्ज रोड लाएंगे तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जमा हो जाएंगे, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, नेगेटिव चार्ज उधर चला गया, तो इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब वापस अपन वही करेंगे, इस स्पेयर को वापस क्या करेंगे, अर्थ करेंगे इस तरीके से। ये अर्थिंग का सिंबल हो गया, और आपको मैंने अभी बताया था कि अर्थ करने के बाद में हमारी अर्थ है वो एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री नेगेटिव चार्ज है और साथ में पॉजिटिव चार्ज है। अब अर्थ के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, बहुत सारे फ्री पॉजिटिव चार्ज भी होंगे इधर उधर। वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स काम मूव करना शुरू कर देंगे नीचे की तरफ, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का मोशन हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे की ओर जाएंगे तो यानी एक मोमेंट्री करंट फ्लो होगी ऊपर की ओर, ये भी ध्यान में रखना, इसमें भी मोमेंट्री करंट होता है, बस डायरेक्शन अलग होती है। एक मोमेंट्री करंट फ्लो होगी ऊपर की ओर, और ये इलेक्ट्रॉन एक एक करके सारे नीचे चले जाएंगे, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। और यहाँ से ये जब ये सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा तो यानी एक तरह की ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में ये वाला जो सिस्टम है ना, ये जो वायर लगाया अर्थिंग का, इस वायर को अपन हटा देंगे इस तरह। अब बताओ मुझे इस ए पर कौन सा चार्ज बच गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच गया। अब आप चाहो तो इस रोड को भी हटा दो, जैसे आप रोड को हटाओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि आपको हमने बताया था कंडक्टिंग स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से आपको ना इंडक्शन और इंडक्शन की हेल्प से टू और वन, वन और टू इस कंडक्टिंग स्फीयर को कैसे चार्ज करते हैं विदाउट रबिंग आपको समझ में आ गया। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।